हेलो स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पिछले वाले क्लास में आप लोगों ने कूलॉम के नियम के बारे में अध्ययन कर लिए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अध्ययन कर लिए थे, आज हम लोग जो है सतत आवेश वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग आपके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सतत आवेश वितरण क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। सतत आवेश वितरण क्या होते हैं, जैसे आपने कहा कि कोई बिंदु आवेश न होकर किसी पृष्ठ पर आवेश फैल जाए, किसी लंबाई पे आवेश फैल जाए, यानी आवेश का प्रसार ही सतत आवेश वितरण कहलाता है। जैसे हमने क्या कहा कि ये कोई आवेश हो गए, ये आवेश एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर वितरित हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, सतत आवेश वितरण कहलाते हैं। हमने क्या बताया भैया कि किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित आवेश ही सतत आवेश वितरण कहलाते हैं, यानी आवेश का प्रसार ही सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार से होते हैं, आइए हम उनके बारे में जानते हैं। तो एक छोटी सी डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो इसके बारे में लिख सकते हैं, किसी पृष्ठ पर आवेश का विस्तार ही सतत आवेश वितरण कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। ठीक, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। आइए, हमने क्या बताया, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा क्या होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा क्या होता है आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। जैसे कि जब कोई आवेश जो होता है वो किसी एक लंबाई यानी एक तार पे फैले होते हैं, या हम कह दें कि एक समान रूप से किसी लंबाई में फैले हुए हों, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहलाते हैं। हम क्या कहेंगे, जब कोई आवेश एक समान रूप से किसी एक लंबाई या किसी एक ऐसे लंबे पदार्थ पे फैले हों, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप समझना चाहते हो तो जैसे आपने क्या ले लिए, कोई एक ऐसा पृष्ठ ले लिए जिसमें चौड़ाई की तुलना में लंबाई जो है आपकी अधिक है। अगर इस पृष्ठ पर फैले हुए आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, इस पृष्ठ पर फैले हुए आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। हमने क्या बताया अभी आपको कि एक ऐसा पृष्ठ जिसमें लंबाई हो केवल, चौड़ाई की तुलना में लंबाई केवल अधिक होनी चाहिए, या हम कह दें कि एक ऐसा पृष्ठ लें जिनमें चौड़ाई नगण्य के बराबर हो, तो हमने कहा कि एकांक लंबाई में या किसी एक लंबाई में आवेश का वितरण ही रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। हम मानते हैं कि माना इस पृष्ठ पर फैले हुए आवेश की मात्रा क्या मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, माना फैले हुए आवेश की मात्रा क्या मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, और इस चालक की लंबाई क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भैया, एल मान लेते हैं। तो इस पूरे किसी भी चालक के एकांक लंबाई का मतलब होता है कोई एक लंबाई, ठीक। तो किसी चालक के एकांक लंबाई में फैले हुए आवेश की मात्रा ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। हमने क्या बताया भैया कि लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, जिसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हेडिंग आती है रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे L L। यहां से हम लोग इनकी परिभाषा दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, Q क्या है, फैले हुए आवेश की मात्रा, L क्या है, लंबाई है, एकांक लंबाई है। हम क्या कहेंगे, एकांक लंबाई में फैले हुए आवेश की मात्रा ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। अगर इसके मात्रक की चर्चा होगी तो मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, और L, L है लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसे हम लोग कह सकते हैं या कूलॉम प्रति मीटर, ठीक। अगर इसकी बीमा की बात आई, रेखीय आवेश घनत्व की बीमा की बात आई, तो आवेश की बीमा क्या होती है, एटी होता है, और मीटर यानी दूरी की बीमा क्या हम लोग यूज करते हैं, एल का उपयोग करते हैं। तो
हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी बीमा क्या बता सकते हैं भैया, एल को ऊपर लेके जाएंगे तो एल ऊपर लेके जाएंगे तो एल के पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो एल के पावर माइनस वन ए और टी इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। अब हम लोग दूसरे आवेश वितरण की चर्चा करते हैं। दूसरा क्या होता है, पृष्ठी आवेश वितरण क्या होता है। तो आइएगा दूसरे हेडिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पृष्ठी आवेश वितरण क्या होते हैं। तो एक मिनट के लिए हम लोग इसको मिटाते हैं, जानते हैं कि पृष्ठी आवेश वितरण क्या होता है। तो जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर फैला हो, जब कोई आवेश सतत रूप से किसी पृष्ठ पर फैला होता है तो वो पृष्ठी आवेश वितरण कहलाते हैं। हमने क्या बताया भैया, हमने आपको बताया कि जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर, एक ऐसे पृष्ठ पर फैले हो जिनमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, हमने क्या कहा कि जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर फैले होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पृष्ठी आवेश वितरण कहलाते हैं। अब यदि हमने माना कि इस आवेश, फैले हुए आवेश की मात्रा क्या मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, माना क्या मानते हैं, माना पृष्ठ पर फैले आवेश की मात्रा, फैले आवेश की मात्रा क्या मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बटे ए। अब यहाँ से हम लोग इस फार्मूले से इनका डिफिनीशन बताया जा सकता है। क्या बताएंगे, ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश की मात्रा ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से फैले हुए आवेश की मात्रा ही क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। अगर इसका मात्रक होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक अगर हमको लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, मात्रक हो जाएगा भैया, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अगर बीमा की बात आई तो बीमा क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा केवल ही कूलाम यानी आवेश, आवेश की बीमा क्या होती है, एटी होती है, और क्षेत्रफल का बीमा होता है एल स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे तो एल के पावर माइनस टू और एटी इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आए। एक बार हम आपको और बता देते हैं, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई में फैले हुए आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे आप लोग लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है, इसकी बीमा एल इनवर्स एटी होते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पे फैले हुए आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक जो होता है आपका क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आयतन आवेश वितरण, ठीक, इसके बारे में, आयतन आवेश वितरण क्या होता है, जब कोई आवेश जो होता है वो किसी आयतन वाले पृष्ठ पर फैले हो, एक ऐसे पृष्ठ पर फैले हो जिनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, वो आप उस पृष्ठ पर फैले हुए आवेश जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, आयतन आवेश वितरण कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग क्या करें कि ऐसे कोई एक क्यूब बना लेते हैं और इस क्यूब पर जिनमें लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, तो ये ठीक। अब देखिए इस पृष्ठ पर फैले हुए जो आवेश होंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, आयतन आवेश वितरण कहलाते हैं। या हम कह दें आयतन पर किसी आयतन के पृष्ठ पर फैले हुए आवेश की मात्रा ही आयतन आवेश वितरण कहलाते हैं। माना आवेश की मात्रा क्या है, क्यों है, और पूरे इसका आयतन क्या है, वी है। तो माना फैले हुए आवेश की मात्रा क्यों है, और पृष्ठ का आयतन वी है, आयतन क्या है, वी है। तब पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, फैले हुए आवेश की मात्रा बटे क्या हो जाएगा, पृष्ठ का आयतन हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसका मात्रक क्या चर्चा कर
मात्रक निकाल लेते हैं। मात्रक आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होते हैं। अगर बीमा की बात आएगी तो बीमा क्या हो जाएगी? कूलाम की बीमा 80 होता है और मीटर की बीमा क्या हो, मीटर क्यूब यानी एल क्यूब हो जाएंगे। ये ऊपर चले जाएंगे तो एल के पावर माइनस 3 इंटू 80 हो जाएगा इसका बीमा। जरा सा हम लोग सॉरी पृष्ठी आवेश घनत्व न होकर यहाँ आयतन आवेश घनत्व होगा। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन में, एकांक आयतन में किसी इस पूरे पृष्ठ के एकांक आयतन में, मान लीजिएगा किसी एकांक आयतन में फैले हुए जो आवेश की मात्रा होगी वो हमारे क्या कहलाते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहलाते हैं। इसी क्रम में अगली टॉपिक आती है आपकी विद्युत क्षेत्र। क्या भैया? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। उसके बाद इसी में विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, ठीक ध्यान समझते हैं। विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएं क्या होता है? क्षेत्र तो सबका अपना अपना होता है, जैसे हमारा क्षेत्र हो गया, आप लोगों का क्षेत्र हो गया, हर एक का क्षेत्र होता है। पर यहां पर हमको अपना आप लोगों के क्षेत्र को नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना है? आवेश के क्षेत्र को पढ़ना है। अरे आवेश के क्षेत्र को ही तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। हमने पढ़ा था आवेश, कोई धन आवेश हो गए, कोई क्या हो गए? ऋण आवेश हो गए। हमने कहा कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये मान लिए आवेश के चारों ओर का कोई एरिया हो गया, तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश, जहां कोई अन्य आवेश क्या करे? आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या करे? अनुभव करे। जैसे आपने क्या कहा कि इस परीक्षण आवेश को हम लोग यहां से लेके आ रहे थे, यहां तक ले आने पे इस पे किसी भी प्रकार के क्षेत्र का, किसी भी प्रकार के बल का अनुभव नहीं किया जा रहा था। जब ये आवेश इस क्षेत्र के करीब पहुंचा, इस क्षेत्र के नजदीक पहुंचा, तो इस पर एक प्रकार के बल का अनुभव किया गया, तो वो क्या कहलाया? विद्युत क्षेत्र कहलाया। हमने क्या बताया कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश, जहां कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे हमने कहा कि अगर कोई ऋण आवेश होगा तो इस पर कोई बल अभी यहां तक नहीं लग रहा है, जैसे ही ये ऋण आवेश यहां इसके एरिया में आया, इसके क्षेत्र में आया, तो इस माइनस क्यू चार्ज को ये क्या कर लेगा? अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, तो हम कहेंगे इस पे एक प्रकार का बल लगा, तो ये इसका क्या कहलाया? एरिया कहलाया। जैसे हमने कहा कि ये प्लस क्यू चार्ज है, क्या इस पे इसके कारण कोई बल लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके एरिया से बाहर है, इसका एरिया तो यहां तक आपने जो सराउंड किया, जो अपने चारों तरफ गोला बनाया है, इसका एरिया ये है ना। जैसे ही ये प्लस क्यू चार्ज को आप यहां ले आए और जैसे ही यहां पहुंचेगा, ये माइनस वाला क्या कर लेगा? इसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो हम कहेंगे ये इसके चारों ओर का एरिया है। तो विद्युत क्षेत्र समझ में आया अभी? क्या होता है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या करता है? अनुभव करता है, वो विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। लिखना चाहोगे तो लिख लीजिएगा, बोल दे रहे हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो अब हम लोग अगली टॉपिक जानते हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो बनाते हैं जरा सा, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं भैया? विद्युत बल रेखाएं, चलिए समझ लेते हैं भैया विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? एक वैज्ञानिक थे जो फैराडे नामक, एक फैराडे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए एक सुझाव दिए। उस सुझाव में क्या दिए कि किसी भी आवेश से निकल, आवेश के चारों ओर के जो विद्युत क्षेत्र थे उनको व्यक्त करने के लिए उन्होंने विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। अब विद्युत बल रेखा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में स्थित, जैसे आपने क्या कहा, एग्जांपल से समझते हैं, कि आपने कहा कि भैया ये इसका क्षेत्र है प्लस क्यू का और ये क्या है? ये माइनस क्यू का क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक, विद्युत क्षेत्र में स्थित, या हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखा। अब आपने क्या कहा ये इसका क्षेत्र है, तो हमने कहा कि मान लेते हैं ये कोई काल्पनिक रेखा है। विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिसपे स्वतंत्र आवेश क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। अब इससे जो आवेश निकल रहे हैं वो इसी काल्पनिक रेखा पे क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। हमने क्या बताया? विद्युत बल रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है, या विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा होती है जिसपे स्वतंत्र आवेश क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। जिसपे स्वतंत्र आवेश क्या होते हैं? चलते हैं। तो लिख लेते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं भैया। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिसमें, जिस पर स्वतंत्र आवेश
स्वतंत्र आवेश गतिमान होते, आवेश गति करते, गतिमान होते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत बल रेखाएं खाएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। चलिए बात समझ आ रही है। हमने क्या बताया कि आप विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है और उस काल्पनिक रेखा पे स्वतंत्र आवेश क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, तो उस रेखा को ही क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा का नाम दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत बल रेखा के गुण क्या होता है। इंपॉर्टेंट हेडिंग है विद्युत बल रेखा के गुण, विद्युत बल रेखा के गुण। चलिए सबसे पहला गुण बनाते हैं कि विद्युत बल रेखा का गुण क्या होता है। ध्यान से समझिएगा कि जो धन आवेश होते हैं उनसे विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और जो ऋण आवेश होता है उनमें विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश करती है। आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक समझाने का प्रयास करते हैं। ये कोई आपने क्या ले लिया, धन आवेश ले लिए, और ये कोई क्या ले लिए, ऋण आवेश ले लिए। तो धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं और जो ऋण आवेश होते हैं उनसे विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। ये बात समझ में आया भैया? अगर आपका ऋण आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ जाएंगी और अगर धन आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। तो सबसे पहला गुण आपको पता हो जाना चाहिए कि अगर धन आवेश होता है तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋण आवेश होता है तो अंदर की तरफ आती है। ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या होता है, दूसरा गुण होता है कि एक विद्युत बल रेखाएं दूसरे विद्युत बल रेखाएं को कभी काट नहीं सकती है। जैसे हमने कहा कि ये कोई एक विद्युत बल रेखा हो गया, ये कोई दूसरी विद्युत बल रेखा हो गया, तो ये एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। एक नंबर का प्रश्न बोर्ड पेपर में पूछा गया है कि विद्युत बल रेखाएं क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि कटान बिंदु पर ये दो दिशाओं को व्यक्त करती हैं। जहां ये एक दूसरे को काटेंगी वहां दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी और दो दिशा में जाने वाली रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया, दूसरा गुण हो गया कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चलिए लिख लेते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं या काटती नहीं है क्योंकि ये कटान बिंदु पर दो दिशाओं को व्यक्त करती है। क्या करती है, व्यक्त करती है। चल तीसरा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, एक नंबर के लिए इसको बना लीजिएगा, बोर्ड के पेपर में पूछ सकता है। चलिए अब हम तीसरे प्रॉपर्टी पर, तीसरे गुण के बारे में पढ़ते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एकाएक टूटती नहीं है। यानी विद्युत बल रेखाएं, आपको लग रहा होगा कि विद्युत बल रेखाएं कहीं टूट जाती होंगी, कहीं कमजोर हो जाती होंगी, तो ऐसा नहीं होता। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एकाएक टूट नहीं सकती। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत बल रेखाएं एकाएक टूटती क्यों नहीं है, या इसको हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्यों टूटती नहीं है। हम यहां इसका जवाब देंगे कि विद्युत बल रेखाएं एकाएक टूटती नहीं है क्योंकि सभी जगह विद्युत बल रेखाएं या सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान समान रहता है। तो इसका लिख देंगे, अगला प्रॉपर्टी क्या लिख देंगे कि विद्युत बल रेखाएं एकाएक टूटती नहीं है क्योंकि सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान समान रहता है। ठीक, समान रहता है। चौथी प्रॉपर्टी जानते हैं इनकी, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। जैसे आपने क्या कहा कि ये कोई धन आवेश ले लिए, ये कोई ऋण आवेश ले लिए, तो इनसे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और ऋण आवेश पे क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ये विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है। चाहे तो इसका लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे भैया, विद्युत बल रेखाएं क्या कहा जाता है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। अब एक
एक और इनके गुण के बारे में जान लेते हैं कि अगर यदि मान लिया जाए कि किसी आवेश के अंदर, क्या कहा जाए भैया, यदि किसी आवेश के अंदर या किसी पृष्ठ के अंदर या किसी गोले के अंदर, चलिए गोला लेते हैं, यदि किसी गोले के अंदर प्लस क्यू आवेश है और पूछा जा रहा है इनसे निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या बताइए, तो जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। हमने क्या बताया, यदि किसी पृष्ठ के अंदर कोई बिंदुवत आवेश क्यू है तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली या उस आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होती है, अर्थात विद्युत बल रेखाएं आवेश की क्या होती है, आवेश के परिमाण के अनुपाती होता है, अर्थात किसी भी पृष्ठ के अंदर रखे हुए आवेश का परिमाण जितना रहेगा उस पृष्ठ से उतना ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। समझ में आए आप लोगों को? ठीक, अब हम लोग जो है इसके अगले हेडिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में आपकी अगली हेडिंग आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो आइए एक दो एग्जांपल समझते हैं, तब हम आपको समझाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। जैसे आपने क्या लिया कि ये कोई आवेश ले लिए, ये कोई धनावेश ले लिए, और ये कोई आपने क्या किया कि कोई ऋणावेश ले लिए, क्या ले लिए भैया, ये कोई धनावेश ले लिए, कोई ऋणावेश ले लिए। अब हम आप करते क्या हो कि आपको पता है कि इसके चारों ओर ये जो राउंडिंग की गई है ये विद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है, यानी कि इसका ये इतना विद्युत क्षेत्र है, मान लिया इतना विद्युत क्षेत्र। अब आपने क्या किया कि कोई एक परीक्षण आवेश उठाए, परीक्षण आवेश जो प्रयोग के लिए किया जाता है, काल्पनिक आवेश होता है, ठीक भैया, तो आपने एक परीक्षण आवेश उठाया और इस बिंदु पर रख दिए, और एक परीक्षण आवेश को उठाए, उसी परीक्षण आवेश को एक बार यहां पर रख दिए, तो आपने देखा कि इस पे जो बल लग रहा था, इस आवेश के कारण जो बल F लग रहा था, यहां पर लगने वाले बल F का मान और यहां पर लगने वाले बल F का मान, यहां पर लगने वाले बल F का मान ज्यादा था, यहां पर लगने वाले बल का मान F का मान क्या था, कम था। क्यों कम था? क्योंकि इस आवेश से इनकी दूरी अधिक थी, यहां पर दूरी क्या थी भैया, कम थी। तो आपने क्या बताया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश पर, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। जैसे इस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी, इस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी। जैसे मैंने कहा ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है और ये कोई बिंदु सी है, तो हर एक बिंदु की इसके कारण इस पे लगने वाला जो बल होगा, इसके कारण जो इस पे लगने वाला बल होगा और इसके कारण इस पे जो लगने वाला बल होगा, वो हर एक बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अलग होगी। तो जहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर समझ में आ गई होगी, तो हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए लिखते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे इसे व्यक्त करते हैं, यह एक सदिश राशि होती है। क्या होती है भैया? यह एक सदिश राशि होती है, ठीक ना। अब मान लेते हैं, माना कि कोई परीक्षण आवेश क्यू जीरो है और उस पर लगने वाला बल एफ है, माना माना कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट है तथा इस पर लगने वाला बल, लगने वाला बल एफ है, ओ तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई बराबर क्या हो जाएगा, लगने वाला बल एफ बटे परीक्षण आवेश, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। ठीक, अब जहाँ यह क्या होता है आवेश के कारण लगने वाला बल है और जहाँ क्यू नॉट क्या है भैया आपका परीक्षण आवेश है। आइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या चर्चा करते हैं भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का मात्रक तो बराबर क्या होगा एफ का मात्रक, तो एफ का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा कूलाम होता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अगर बीमा की बात आई तो बल का बीमा क्या होता है एम एल टी पावर माइनस टू, ये बल की बीमा हो गई। और क्यू नॉट, तो क्यू नॉट एक आवेश ही है जिसकी बीमा क्या हो जाएगी ए टी हो जाएगी। अब देखिए ए टी को ऊपर लेके जाओगे तो ए के पावर एक और टी के पावर एक है, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो प्लस यहाँ है तो ऊपर जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो एम एल ठीक ए या तो पहले ध्यान दीजिए एक गए और माइनस एक और माइनस दो और माइनस एक क्या हो गए माइनस तीन हो गए और एक के पावर माइनस एक, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा आ गई। एक ध्यान से समझिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और बीमा और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप चाहो तो लगा लीजिएगा, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक नंबर के भी प्रश्न बन जाते हैं और कभी कभी दो नंबर के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और बीमा क्या होती है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, मोस्ट मोस्ट एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, समझ में आया न समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड एक हेडिंग होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या मान बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो ध्यान से समझिएगा कि मानते हैं इसी हेडिंग के हिसाब से चलते हैं कि बिंदु आवेश, तो माना कोई बिंदु आवेश क्यों है, क्या मान लेते हैं माना, चलिए मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु आवेश क्यों है, ठीक जो कि बिंदु ए पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है बिंदु ए पर स्थित है, बिंदु ए पर स्थित है, ये मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु आवेश क्यों है जो कि बिंदु ए पर स्थित है, ए से आर मीटर की दूरी पर, ए से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं पी ले लेते हैं जिस पर एक परीक्षण आवेश क्यों जीरो रख देते हैं, क्या रख देते हैं भैया क्यों जीरो रख देते हैं, और जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये कोई प्लस क्यों चार्ज है तो प्लस वाला क्या करेगा परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है तो प्लस वाला प्लस को क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके द्वारा लगने वाली जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी। ठीक, क्योंकि एक सदिश राशि है परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है, तो चाहे तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे माना कोई बिंदु आवेश क्यों है, क्या है भैया माना कोई बिंदु आवेश क्यों है तथा जो कि ए पर स्थित है, कहां पर स्थित है भैया ए पर स्थित है, ए से आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है, ई ज्ञात करनी है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या पढ़े हो आप लोग फार्मूला, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट, समीकरण नंबर आपने क्या बना लिया एक बना लिया। अब हम लोग कूलाम के नियम से इस एफ को निकाल लेते हैं, तो कूलाम के नियम से कूलाम का नियम क्या था, कूलाम का नियम था एफ बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो इस नियम से हम लोग लगाते हैं तो यहाँ क्यू वन के स्थान पे क्यू है और क्यू टू के स्थान पे क्यू नॉट है, तो कूलाम के नियम से क्यू तथा क्यू नॉट के बीच लगने वाला बल, बीच लगने वाला बल, तो चलिए लगने वाला बल एफ बराबर क्या हो जाएगा वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन के स्थान पे क्यू रख लेते हैं, क्यू टू के स्थान पे क्यू नॉट अपान बीच की दूरी ए पी है और ए पी क्या है भैया आर है, तो आर स्क्वायर हो गए, समीकरण नंबर क्या हो गया दो हो गए, तो समीकरण दो से एफ का मान, समीकरण दो से एफ का मान समीकरण
एक में रखने पर। तो समीकरण एक क्या है भैया, E बराबर F अपान क्यू नॉट, और F का मान यहाँ से रखते हैं 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और ये साथ में क्या लगा दिए 1/Q0। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट आपके कैंसिल हो गए, तो लास्ट में परिणामी क्या मिल गई, E बराबर 1/4πε0 Q अपान क्या होता है आर स्क्वायर। यानी किसी भी बिंदु पर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर होता है। अगर इस समीकरण से हम लोग कुछ समाधान निकाले तो यहां से E प्रोपोर्शनल क्या आया Q, और E प्रोपोर्शनल 1/r2, अर्थात यहां से पता चला कि किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होती है आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता। इसी से रिलेटेड या इसी क्रम में आपकी अगली हेडिंग आ जाती है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो आइए हम लोग बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव तथा इसी में बना लेते हैं तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, आइए समझ जाते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है कि देखिए एक दो आपके सामने हम चित्र बना रहे हैं, एक पे प्लस क्यू आवेश रखते हैं, एक पे क्या रखते हैं माइनस क्यू आवेश रखते हैं, और बीच की दूरी क्या मान लेते हैं 12 मान लेते हैं अल्प दूरी। ठीक, और एक पर क्या लेते हैं, चलिए ये ले लिए, एक पर प्लस टू क्यू रखते हैं, एक पर माइनस टू क्यू रखते हैं, और इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं 2d मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ये 2d मान लेते हैं। आइए देखा क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। केवल अभी हम लोग इस टॉपिक में से दो एक इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव एक पात्र होता है, एक निकाय होता है, एक बर्तन होता है। अब कहोगे बर्तन होता, अरे वैद्युत द्विध्रुव एक बर्तन होता है पर उसमें और ये खाने वाले सामान थोड़े रखे जाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक पात्र होता है जिसमें आवेश रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, आवेश रखे जाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें आवेश रखे जाते हैं, पर आवेश समान परिमाण होंगे और विपरीत आवेश होंगे। तो हम क्या बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा पात्र होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के आवेश, समान परिमाण के आवेश। एक मिनट के लिए ध्यान समझिएगा कि ये अगर प्लस और माइनस को मिटा दें तो समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत आवेश, समान परिमाण व विपरीत आवेश। विपरीत क्या है, ये प्लस रहेगा तो ये क्या रहेगा माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा तो ये प्लस रहेगा। समान परिमाण व विपरीत आवेश एक दूसरे से दूरी, अल्प दूरी का मतलब होता है कम से कम न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी पे रखे जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे आपने क्या ले लिया प्लस क्यू ले लिए, और ये आपके माइनस क्यू ले लिया, और इनके बीच की दूरी क्या मान लिए 12 मान लिए, तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। अगर यही हम कह दें कि ये प्लस क्यू हो गया और ये भी प्लस क्यू हो गए तो ये आपके वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें समान परिमाण आवेश तो है पर विपरीत आवेश नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे भैया, वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो वैद्युत द्विध्रुव, लिख लीजिएगा बोल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, तो अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को मिटा लेते हैं, अब हमारी अगली हेडिंग बन जाएगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले देखिएगा द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं जिसमें समान परिमाण व विपरीत आवेश, एक प्लस क्यू मान लेते हैं, एक माइनस क्यू मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ ए एक ए हो गए, बी ए हो गए, और इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं 2l मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भैया 2l मान लेते हैं। ध्यान समझिएगा, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे इसका हो चाहे इसका, मैंने केवल कहा परिमाण, न कि उनके चिन्ह को कहा है, न तो उनके प्रकृति को कहा है। हमने क्या कहा कि केवल किसी भी एक आवेश का परिमाण, तो किसी एक आवेश का परिमाण चाहे इसका लोगे चाहे इसका लोगे, दोनों के परिमाण एक ही रहेंगे। तो चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश के परिमाण और बीच की अल्प दूरी यानी 2l के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम लोग P से व्यक्त करते हैं। हमने क्या बताया, समान वैद्युत द्विध्रुव में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, आपको निकाय बनाना है तो भाई साहब आपने क्या कर दिया, इनको हमने एक निकाय में ढक दिया, एक पात्र में ढक दिया। अब क्या होता है देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश के परिमाण, चाहे इसका परिमाण हो चाहे इसका हो, किसी एक आवेश के परिमाण और बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे हम लोग P से व्यक्त करते हैं। तो लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। अब इसका क्या, मात्रक की चर्चा करते हैं, तो मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश क्यों आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, दो से लेना देना नहीं,
L दो एक संख्या है, L मीटर होता है, L एक दूरी है, दूरी की मात्रा क्या होता है मीटर, यानी कूलाम क्या हो गए, कूलाम मीटर हो गए, ठीक कूलाम मीटर हो गए। अगर इनकी बीमा की बात हुई तो बीमा क्या होता है, तो बीमा होता है कूलाम की बीमा क्या होती है भैया, 80 होता है, और दूरी दूरी यानी मीटर, तो मीटर की बीमा क्या होगी L, तो पूरा मिला दिए तो एल टी ए इसकी क्या हो गई भैया, बीमी सूत्र हो गया, बीमा हो गया एल टी ए, ठीक। यमकेश पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, तो आप ध्यान से समझिएगा, यमकेश पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर या तो डेबाई भी होता है, क्या होता है डेबाई। नोट करने वाली बात है कि वैद्युत विद्युत आघूर्ण का मात्रक कभी कभी आपके कंपटीशन में भी पूछे गए प्रश्न है कि डेबाई किसका मात्रक होता है, तो डेबाई जो होता है वो वैद्युत विद्युत आघूर्ण का क्या होता है, मात्रक होता है। अब प्रश्न यहां ये बनता है कि सर एक डेबाई बराबर कितने कूलाम मीटर, तो ध्यान से समझिएगा हमने क्या कहा भैया, ये नोट करने वाली बात है कि इसका मात्रक क्या होता है, डेबाई होता है, डेबाई होता है। अब बताओगे कि एक डेबाई बराबर, तो एक डेबाई बराबर होता है 3.3 × 10³ कूलाम मीटर होता है, ठीक हमने बता दिया भाई एक डेबाई बराबर 3.3 × 10³ कूलाम मीटर होता है। तो जहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको यह हेडिंग जरूर समझ में आई होगी। अब हम लोग जो है इस पे इनके कुछ अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं। आइए हम लोग इसी क्रम में आपकी अगली हेडिंग आती है, वैद्युत विद्युत के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत विद्युत आघूर्ण पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, क्वेश्चन है 2019 के बोर्ड पेपर में पूछा गया है। तो प्रश्न यह है कि एससीएल अणु में तो मान लेते हैं कि कोई एससीएल अणु ऐसे रहा होगा, ठीक प्रश्न लिख देते हैं, एससीएल अणु में H+ तथा Cl- आवेशों के आयनों के आवेश वितरणों के केंद्र के मध्य की दूरी, यानी हम कहना चाहें तो H प्लस कोई आवेश था, ठीक H प्लस हो गए, और कोई क्या था Cl माइनस कोई आवेश थे, इनके आवेशों के मध्य की दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉम है, समझते चलिएगा 0.2 एंगस्ट्रॉम है। फिर तो कह रहा है कि अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है, तो सबसे यहां आपको याद करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि जो H प्लस होता है, जो Cl माइनस होते हैं, उनमें जो आयनों की संख्या होती है वो एक होती है, यानी हम कह सकते हैं कि इनमें इस पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, इस पर भी आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं इस पर भी आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ और इस पर भी 1.6 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के पूछा था, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी इससे पिछले ही टॉपिक में आपने पढ़ा कि P बराबर क्या होता है Q × 2L, तो चाहे इसका परिमाण रख लीजिएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा 2L। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 2L के स्थान पे दिया गया है 0.2 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम को हम लोग मीटर में बदल देते हैं, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻¹ मीटर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻¹⁰ मीटर, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस एंगस्ट्रॉम को क्या बदल देते हैं, मीटर में बदल देते हैं, तो ये आ गए मीटर। अब आइए इनको हम लोग हल कर लेते हैं, तो ये पॉइंट कटाए 10 आ गए, इन पॉइंट को काटे 10 आ गए, तो 16 × 2 कितने हो गए 32, 16 × 2 = 32 हो गए, 19 × 10 देखिएगा लिखते हैं 32 × 10⁻¹⁹ और 10⁻¹ और ये दोनों मिलके ऊपर चले गए तो 10⁻², तो 19 × 10 = 29 = 31 हो गए, तो यानी 32 × 10⁻¹⁹, ठीक। एक पॉइंट यहाँ आपका है, पॉइंट इधर ला दिए 3.2 × 10⁻³⁰ क्या मात्रक आया था भाई, कूलाम मीटर, ठीक। ये आगे पी का 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था, वो भी कितने नंबर के हैं भैया आपके, ये आपके पूरे जो है एक नंबर वाले प्रश्न में पूछे गए थे, ठीक। अब हम लोग जो है अगले टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें दो है, एक अच्छी स्थिति है, एक क्या है भैया निरच्छी स्थिति है। तो दोनों हेडिंगें अच्छी स्थिति भी निरच्छी भी स्थिति हर एक बोर्ड पेपर में, हर एक साल बोर्ड पेपर में 3-3 नंबर के प्रश्न बनते हैं, तो दोनों हेडिंगों को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो हम लोग सबसे पहली हेडिंग आज बनाएंगे, सबसे पहली हेडिंग क्या है भैया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ये बना लेते हैं, ध्यान समझिएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, देखिएगा इसमें तीन वर्ड आपको पकड़ना है,
एक वैद्युत ध्रुव, एक अच्छी स्थिति, एक वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, तो आपको फाइंड आउट ही करना, आपको ज्ञात ही करना। तो आप इसको भी जानते हैं, केवल अच्छी स्थिति नहीं जानते, तो अभी अच्छी स्थिति भी जान जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं कि एक वैद्युत ध्रुव बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? एक वैद्युत ध्रुव बनाते हैं। तो वैद्युत ध्रुव क्या बताया गया था कि एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण व विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होता है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? वैद्युत ध्रुव कहलाते हैं। तो हमने आपके सामने एक वैद्युत ध्रुव बना दिया, ठीक भैया। अब अच्छी स्थिति क्या होती है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ही अच्छी स्थिति कहलाती है। यानी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ा दें और इस पर कोई बिंदु ले लें, तो ये क्या होगा? ये इसके अक्ष पर स्थित होता है। किसके अक्ष पर? इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अक्ष पर, ठीक। तो अब मान लेते हैं कि इन दोनों जो वैद्युत ध्रुव है, इसका मध्य बिंदु क्या है भैया? ओ है। तो आप जरा सा यहां गौर फरमाइएगा कि यहां मध्य बिंदु ओ है, तो इनके बीच की जो दूरी थी 2L थी, वो L इधर हो गई, L इधर हो गई, यानी दूरी क्या हो गई? बट गई। L यहां से लेके यहां तक हो गए और L यहां से लेके यहां तक हो गए, ठीक। ये हो गए L, ठीक भैया। अब जरा समझिएगा, मानते हैं क्या ज्ञात करना है? अच्छी स्थिति पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम मानते हैं ओ से, मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं भैया? पी ले लेते हैं, जिससे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए, जो आपने बनाया है उसको एक बार हम फिर से समझाते हैं। हमने क्या कहा कि माना एक वैद्युत ध्रुव, माना एक वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव ए बी है, ठीक, यही आपने बनाया था भैया, ए बी है, जिसका मध्य बिंदु ओ है, जिसका मध्य बिंदु ओ है, ठीक। ओ से आर मीटर की दूरी, ओ से आर मीटर की दूरी पर, ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है भैया? ज्ञात करनी है, ठीक। अब हम क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि होती है तो इसकी परिमाण के साथ साथ हमको दिशा भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए हम मानते हैं कि मान लेते हैं इस पे कोई एक परीक्षण आवेश क्या था? K0 था। क्या था भैया? K0 था। अब ध्यान समझिए, ये जो माइनस वाले होते हैं, ये माइनस वाला क्या करेगा? प्लस को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो माइनस वाले जो क्यू आवेश होंगे, वो प्लस वाले को क्या कर लेंगे? अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। तो इनके कारण जो परिणामी, इनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उनका नाम हम लोग क्या दे देते हैं? ई बी नाम दे देते हैं, क्योंकि बी है तो माइनस के कारण जो लगने वाला होगा वो ई बी हो जाएगा। और जो ये प्लस वाले हैं, ये प्लस वाला क्या करेगा? इस परीक्षण आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इसके द्वारा लगने वाली दिशा क्या होगी? ई ए। जरा सा आप समझिएगा कि जो बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है, जो बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है, उन दोनों की दिशाएं क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। तो जब सदिश राशि एक दूसरे के विपरीत होती है तो परिणामी घटा दी जाती है, और जब एक ही दिशा में होते हैं तो परिणामी क्या हो जाते हैं? इनके जुड़ जाते हैं। तो ध्यान समझिएगा कि ये इसकी दिशा इधर कैसे हुई, इसकी दिशा इधर कैसे हुई। तो यहां आप समझने वाली बात यह है कि ये प्लस वाले प्लस को क्या कर देंगे? प्रतिकर्षित कर देंगे। इसलिए इनके द्वारा जो लगने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इधर है, और ये माइनस वाले इनको आकर्षित कर लेंगे, इसलिए इनकी दिशा इधर की तरफ है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, लिखते हैं, यानी हमको ईए और ईबी ज्ञात करने हैं। तो क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भैया? ये है। अब आपने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था भैया? 1/4π ε0 क्यू बटे, तो प्लस क्यू है, बटे आर स्क्वायर। तो यहां से ध्यान समझिएगा, आर स्क्वायर बीच की दूरी होती थी, यहां से लेके यहां तक की दूरी ए पी है। क्या है भैया? ए पी का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब आपको ए पी मालूम कैसे होगा? ध्यान से समझिए, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी आर है, यहां से लेके यहां तक की दूरी आर है, ये दूरी बढ़ रही है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? आर प्लस क्या हो जाएगा? यल। अगर आपको न समझ में आया तो आप ध्यान से समझिएगा, यहां से लेके यहां तक आर था, इतनी दूरी बढ़ गई, इतनी दूरी क्या थी? एल थी। तो आर प्लस क्या हो गया? एल हो गया। यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? आर प्लस एल हो जाएगी, ठीक। तो AP बराबर यहां हम लिख सकते हैं कि AP बराबर क्या है भैया? R प्लस L है। तो रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा भैया? EA बराबर 1/4π ε0 Q/r + L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर क्या हो गया? एक हो गया। इसी तरह क्या लिखेंगे? माइनस
क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगी, ई बी होगी, क्या होगी भैया, ई बी होगी 1/4 pi epsilon naught। इस बार माइनस क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिणामी लिए जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे, क्यों बटे बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कौन है भैया, बी और क्या है, पी है, तो यहाँ हो जाएगा पी बी का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा कि अब यहाँ पी बी कितना होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी r है और हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की चाहिए, तो बढ़ कितने रहे, l बढ़ रहे हैं, तो l हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस l हो जाएगा। तो आप देखिएगा पी बी बराबर यहाँ आपको क्या मिल गए, पी बी बराबर मिल गए r माइनस l, तो यहाँ पर रख देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ई बी बराबर 1/4 pi epsilon naught क्यू बटे r माइनस l का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। आइए अब हम लोग इधर की तरफ नोट करते हैं या इधर की तरफ आपको समझाते हैं। अतः बिंदु P पर लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, हमने कहा E बराबर हो जाएंगे EB माइनस क्या हो जाएगा, EA, ठीक, EB माइनस क्या हो गए, EA हो गए। तो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से EA और EB का मान रखने पर, EA और EB का मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक भी, तो क्या करते हैं, E बराबर क्या हो गया, EB, तो EB का मान क्या है, 1/4 pi epsilon naught क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस EA, तो EA का मान क्या है, 1/4 pi epsilon naught क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो जरा सा आप देखिए कि 1/4 pi epsilon naught और q 1/4 pi epsilon naught q दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, q 1/4 pi epsilon naught कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 1/r-l का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस हो गए, वहाँ पर क्या बचे, 1/r+l का होल स्क्वायर, ठीक, ध्यान समझिएगा, ये भिन्न का घटाना हो गया, तो हम क्या करते हैं, इधर से लसप ले लेते हैं, क्यू बटे 4 pi epsilon naught इनका लसप लेते हैं, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर एक से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो r माइनस क्या हो जाएगा, l का होल स्क्वायर, ठीक। अब हम करते क्या है कि हमको एक सूत्र पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ लगा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। एक फार्मूला और आता है, आप एक सूत्र का और उपयोग करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतने फार्मूले, इन तीनों फार्मूलों का उपयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो चलिए क्या लिखते हैं, q बटे 4 pi epsilon naught a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे, तो क्या होगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2ab, a के स्थान पे r, b के स्थान पे l, तो 2lr आ जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या होगा, r स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2rl या 2lr आ गया, ठीक भैया, ध्यान समझिएगा। अब नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी, a स्क्वायर फिर b स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, यहाँ क्या है, a प्लस b a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा, दिखेगा ये है r माइनस l, r प्लस l का स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर,
ठीक, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, अगर आर केवल ये रहा होता आर माइनस एल आर प्लस एल, तब हम कहते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, पर दोनों के ऊपर घात लगा था तो हमने घात लगा दिए भी। ठीक, अब ध्यान समझिएगा क्या करते हैं, क्यू बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ गए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एल आर, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस टू एल आर। ठीक, अब देखिएगा क्या करते हैं, इनको बटे करते हैं, अब ये लिखते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या कर दिए, होल स्क्वायर। देखिए ये कुछ पार्ट आपके क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, टू एल आर, टू एल आर जोड़ के क्या कर दिए भैया, वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू लिखते हैं, और इधर लिखते हैं टू टू कितने हो गए, फोर एल इंटू आर बटे क्या हो गए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या कर दिए, होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, जरा सा इस फार्मूले को हम लोग दूसरे रूप में लिख इसका जरा सा प्रसार करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रसार करने पर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गए, क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू को अंदर लेके जाते हैं इंटू चार एल को क्या ये लिखा जा सकता है, टू इंटू ऐसे लिखेगा टू एल इंटू टू, टू टू जा फोर एल हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा आर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ध्यान समझिएगा। ठीक, अब आप देखिएगा क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल, तो क्यू इंटू टू एल बराबर आपने क्या पढ़ा है, पी पढ़ा है, क्या पढ़ा है भैया, पी पढ़ा है। तो हम लोग जो है इधर की तरफ लिख लेते हैं, आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, देखिएगा वहाँ से देखते हैं क्या मिला है, उसके स्थान पर हम लोग पी लिख लेंगे तो ई बराबर आएगा वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा टू, तो टू का मल्टीप्लाई कर दिए टू पी आर, क्या आ गया भैया टू पी आर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। यदि यदि मान लेते हैं जो L है वो काफ़ी कम है R से, यानी यदि R जो है ऐसे लिखिएगा, यदि R का मान काफ़ी बड़ा है किससे, L से, तो L यहाँ क्या हो जाएगा, उपेक्षा कर देंगे, L की क्या कर देंगे, उपेक्षा करने पर, तब L की उपेक्षा करने पर, L की उपेक्षा करने पर, तो एल की उपेक्षा कर दोगे तो यहाँ एल नगल हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा E बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर बटे, यहाँ एल घट जाएगा तो आर घाते दो और दो कितने हो गए भैया चार, एक आर से कैंसिल हो गए तो E बराबर आ गए वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी बटे आर क्यूब। ठीक, ये आ गए अच्छी स्थिति पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां P क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और R क्या है दूरी है। ठीक, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस चैप्टर में बची हुई आगे की जो टॉपिक है अगली क्लास में हम लोग उसको पूर्ण कर देंगे। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।